ज वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम शुड आल शो यू हाउ मेक दिस हम्पल विच इज फुलट फूड्स एंड ऑल दिस आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे पैकेट फूड्स ले लिये जो भी मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैंने चॉकलेट्स नहीं लिए अभी जितने मैंने पैकेट फूड्स एक्स्ट्रा वो ले लिया है चॉपस्टिक से मैं इसे स्टिक करूंगी का दिस इज अ टिप आप एक चॉपस्टिक से कभी भी हैवी पैकेट को uh, कभी भी स्टिक मत करिएगा क्योंकि अगर आप उसे सूखने भी देंगे सूख भी जाएगा ना तो वो गिर जाएगा जैसे कि मैंने अभी एक चॉपस्टिक इसमें लगाया सिर्फ एक चॉपस्टिक इन द मिडिल लगाया फिर भी प्रॉब्लम होगा देखिए जैसे मैंने इसे लगाया है सूखने के बाद देखिए मैंने जब इसे पकड़ा ये तुरंत तो उखड़ गया है। इस ये हैवीनेस इतना जल्दी से गन वगैरह हैवीनेस एकदम ज़्यादा नहीं सहन कर पाते हैं तो इसलिए मैंने दो चॉपस्टिक्स लगाए हैं ये नहीं गिरेगा अब अगर आप लगा देंगे इसको तो ये अच्छे से रख ही रहेगा रहे बाकी स्मॉल तो पैकेट थे तो इसमें मैंने एक चॉपस्टिक पूरा एकदम बीच में लगा दिया अच्छे तरीके से लगाया था तब ये नहीं गिरेगा क्योंकि इसका हैवीनेस उतना ये नहीं होता इसमें आ, जितना कि बड़ा पैकेट्स में होते हैं जैसे कि भुजिया का पैकेट देख सकते हैं ये ऐसी साइड में टर्न हो सकता है बाकी चिप्स और कुरकरी के जो पैकेट थे वो ऐसे नहीं हो पा रहे थे इसलिए मैंने उसमें ऊपर ऊपर लगाया अगर कोई पैकेट का ऐसे होता है तो आप इसके अंदर ही लगाएं ताकि चॉपस्टिक अलग से ना दिखे जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था ग्लू गन वो बहुत ईजिली निकल जाता है आप अगर ग्लू गन लगा देंगे कभी ख़राब होगा तो आप टेंशन मत लीजिए सूखने का बहुत ईजीली निकल जाता है ये बॉक्स मैंने लिया थर्माकोल ऑलरेडी लगा दिया था इसमें फ्रिल रखे हुए थे वही ऐड कर दिए हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं ये चॉकलेट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने इसे कैसे कवर करा है आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरे होम चॉकलेट मैंने कैसे बनाए वो भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से ऐड कर दीजिए मैं ऑलरेडी जानती हूँ मुझे कहाँ ऐड करना है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप जब भी सामान ऐड करें आपको पहले पता होना चाहिए वो कहाँ ऐड करेंगे रैंडमली ऐड करेंगे तो हर बार खराब ही लगता है मैक्सिमम टाइम अगर आपके चॉप स्टिक्स हैं तो आप कर, तोड़ दीजिए उसे दिस इज़ द डॉल जो मैं यूज़ करूंगी इसमें तो मैंने इस बीच में ऐसे वही चॉपस्टिक्स ही लगा दिया है दिस आर द चॉकलेट एक्स्ट्रा थे मेरे पास और मे इसमें जगह भी था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया दे, आप देख सकते जैसे मैं इसे फ़ोल्ड करके चॉपस्टिक लगा रही हूँ ऐसे फ़ोल्ड करके लगाने से आपको चॉपस्टिक बाहर बाहर नहीं दिखता टाइम uh, उसको रैप कर सकते हैं पूरा अच्छे से नेट क्लॉथ में नहीं करना चाहे तो भी चलेगा करेंगे तो अच्छा है uh, जैसे कि हम कई बार नेट क्लॉथ करते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है मैक्सिमम टाइम क्योंकि आप लेंथ कट कितना भी कर सकते हैं ब्रेथ उतना ही रहेगा तो लेंथ uh, के हिसाब से रेक्टेंगल था तो हमारे पास कभी कभी आगे और पीछे कई सारे ऐसे निकलने निकलने को हो जाते हैं तो जितना आपके हाथ में सहकला रहा है आप पहले उसे अच्छे से uh, कलेक्ट कर लीजिए उसे रबर बैंड से बांध दीजिए और जो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है उसे आप ग्लू गन की मदद से चिपका दीजिए वो नहीं निकलेगा फिर और ख़राब भी नहीं दिखता ग्लू गन की वजह से रबर बैंड इम्पोर्टेंट है ताकि वो सिक्योर रहे अच्छे से ना आप उसमें रिबन ऐड कर दीजिए रिबन अच्छे से आप बांध दीजिए उसमें फ्लावर टाइप और अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पे फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सा आ, लीफ वगैरह यहाँ पे पूरा ऐसे राउंड में लगा सकते हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा मैं इसे इतना ही दूर तक छोड़ रही हूँ दिस नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट एंड आई होप ये काफ़ी आपको अच्छा लगा हो मुझे ये काफ़ी सुंदर लगा बधाई वगैरह में देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब